न्यूजीलैंड में हुए भयानक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया संगठनों की कार्यशैली को हास्यास्पद बताया। दरअसल अमेरिकी मीडिया संगठनों ने ट्रंप को न्यूजीलैंड में पिछले हफ्ते हुए दोहरे आतंकी हमले के लिए दोषी ठहराया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट कर कहा, अमेरिका का फेक न्यूज मीडिया न्यूजीलैंड में हुए भयानक हमले के लिए मुझे दोषी ठहराने के लिए काम कर रहा है, लेकिन मीडिया को ये साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत ही हास्यास्पद है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये ट्वीट तब आया जब हमले के फौरन बाद से ही अमेरिकी मीडिया लगातार हमलावर के घोषणा पत्र की ओर इशारा करते हुए ट्रंप की आलोचना में लगी हुई थी, जिसमें हमलावर ने ट्रंप को श्वेत पहचान का प्रतीक कहा था। व्हाइट हाउस ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिनमें ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप श्वेत राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन करते हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मिक मुलवेने ने कहा, राष्ट्रपति एक श्वेत वर्चस्ववादी नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि हमें कितनी बार ये कहना होगा। इससे पहले एक सोशल मीडिया अकाउंट जो ब्रेंटन टेरेंट से जुड़ा हुआ माना जा रहा था, जिससे 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई मूल के हमलावर ने एक लंबा घोषणा पत्र पोस्ट किया था, जिसमें अप्रवासी और मुस्लिम विरोधी विचारों को व्यक्त किया गया था। हमलावर ने लिखा था कि वो ट्रंप का समर्थन श्वेत पहचान के प्रतीक के रूप में करता है, ना कि नीति निर्माता और नेता के रूप में।